हेलो गाइस, कैच ऑनलाइन ज्ञान के इस नए वीडियो के साथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चेक पोस्ट पोस्ट का टैक्स भी काटेंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है परिवहन। सर्च करने के बाद हमें बहुत सारे रिजल्ट मिल जाते हैं। पहले वाले नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये परिवहन का एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देख पाएंगे आप ऑनलाइन सर्विसेज और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है चेक पोस्ट टैक्स। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहीं से हम चेक पोस्ट टैक्स का पेमेंट करने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, इससे आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टैक्स पेमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है, जैसे कि जो भी स्टेट आप जाना चाहते हैं उस स्टेट का यहाँ पे आपको स्टेट का नेम ड्रॉप डाउन करके सिलेक्शन कर लेना है। एग्जांपल के लिए मेरे केस में झारखंड स्टेट जाना चाहेगा मेरा जो क्लाइंट है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन को करना चाहूँगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे झारखंड सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद सर्विसेज नेम में हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि फॉर्म्स डाउनलोड और व्हीकल टैक्स कलेक्शन अदर स्टेट। तो हम सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे गो देख पा रहे हैं, इसमें क्लिक करने के बाद ये पेज लोड होगा। अभी यहाँ पे हमें व्हीकल नंबर एंटर करना है, वही व्हीकल नंबर जिसके अगेंस्ट में हम बॉर्डर टैक्स पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अपना व्हीकल नंबर एंटर कर लेंगे और सिंपली गेट डिटेल में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पेज लोड होगा और हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे कि चेसिस नंबर, ओनर नेम और बाकी के सभी डिटेल यहाँ पे हम देख पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर में ही हमें हमारा डिटेल मिल जाएगा, जैसे कि ट्रांजैक्शन नंबर और बाकी का सभी डिटेल। ये नंबर इंटर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे हमें परमिट टाइप देखने को मिल जाता है, जिसमें से हम यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है। एक होता है आपका टेम्प्रोरी परमिट और दूसरा होता है टूरिस्ट परमिट। तो अगर आपको शॉर्ट टाइम में जाना हो तो सिंपली आप टेम्प्रोरी परमिट में क्लिक करेंगे। डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्शन करना पड़ेगा, जी हाँ, वही डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्शन करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट में आप एंटर करने वाले हैं अपने स्टेट का। तो मेरे केस में झारखंड स्टेट में यहाँ पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो देख सकते हैं देवघर, जी हाँ, मैं देवघर यहाँ पे सिलेक्शन करना चाहूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट सिलेक्शन कर लेना, वो डेट सिलेक्शन करेंगे जिस डेट से आप जाना चाहेंगे और जिस डेट के अंदर आपको वापस आ लेना है। तो एक एस्टिमेटेड जो टाइम होता है जितने दिन के लिए आप स्टे करना चाहेंगे वो डेट यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आज 12 तारीख है और कल 13 तारीख है, यानी कि 13 अप्रैल, तो मैं 13 अप्रैल का डेट दे दिया। अभी यहाँ पे अप टू डेट, यानी कि कब तक मैं एग्ज़िट करूँगा वहाँ से, तो वो डेट मैं देना चाहूँगा। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए इसी महीने के 20 को देता हूँ तो उसी हिसाब से सिस्टम फ़ीस ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा और ये फ़ीस दिखा देगा कि कितना फ़ीस एप्लीकेबल है, 800 रुपीज़ फ़ीस जो कि एप्लीकेबल हुआ है। तो इस तरह से डिटेल यहाँ पे जब हम कंफर्म कर लेंगे तो सिंपली यहाँ पे टैक्स में क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे हमें हमारा डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि गाड़ी का नंबर, ओनर नेम, चेचिस नंबर, कब से हम जा रहे हैं, कब तक हमें आना है, पेमेंट अमाउंट, ऑनलाइन मोड, सभी डिटेल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। सिंपली हमें यहाँ पे कंफर्म में क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे जो ई वाहन का पेमेंट गेटवे है, जो वेबसाइट है, वहाँ पे हमें रीडायरेक्ट कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ई ग्रास नाम का वेबसाइट है, यहाँ पे सिलेक्शन कर लेने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पे एक बार पढ़ के आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे हमें डिटेल और भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओके में क्लिक कर देना है टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र, यानी कि पहले से अगर आप इसमें रजिस्टर्ड हैं तो आपको इसमें क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट में आ रहे हैं, जी हाँ, तो आपको सिंपली यहाँ पे गेस्ट वाला ऑप्शन जो देख पा रहे हैं इसमें आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो मैं चूँकि फ़र्स्ट टाइम इस वेबसाइट में आया हूँ तो सिंपली यहाँ पे गेस्ट में क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिल जाते हैं वन टाइम यूज़र्स के नाम पर, जैसे कि आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर पर डिटेल ले सकते हैं
SMS ऑथेंटिकेशन वगैरह और या फिर ईमेल में। तो सिंपली मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सिलेक्शन करना चाहूँगा और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर लूँगा। इसके बाद गेट OTP में हमें क्लिक कर लेना है। OTP हमें भेजा जा चुका है, वही OTP नंबर यहाँ पे हमें अभी इंटर कर लेना है। तो OTP हमें अल्फ़ा नंबरिक 4 डिजिट का OTP मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीमेंट, इसे कंफर्म करते हुए प्रोसीड में क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे फाइनली हमें यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जा रहा है और यहाँ पे पेमेंट मोड जो कि यहाँ पे इसमें टिक कर लेना है और सिंपली पे ₹800 जो फीस एप्लीकेबल हुआ है इसमें क्लिक कर लेना है। अभी हमें यहाँ पे डिटेल कुछ देखने को इस तरह से मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं जो कि टर्म्स एंड कंडीशन में हमें एग्री करना है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम एग्री करेंगे तभी हम यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे, अगर नॉट एग्री करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट हमें नहीं अलाउ होगा इस वेबसाइट के द्वारा। तो मैंने एग्री कर लिया है, इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक कर लेता हूँ। हमें हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कन्फर्म करना चाहेंगे, बिल्कुल हाँ, तो मैं ओके में क्लिक कर लेता हूँ। अभी हमें हमारा जो SBI ePay का पुराना वाला गेटवे जो है वही गेटवे यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें हमें यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, साथ ही में नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट, कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए। इनमें से कोई भी ऑप्शन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना चाहूँगा। जैसे कि मैं चाहूँगा UPI से पेमेंट करो, क्योंकि UPI काफ़ी फास्ट है जैसा कि आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर UPI सिलेक्शन कर लेने के बाद हमें यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, या फिर हम चाहें तो UPI ID यहाँ पे इंटर करें, या फिर सिंपली QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर मैं QR कोड जनरेट करना चाहूँगा तो इस बॉक्स में यहाँ पे सिंपली मैं इसमें क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है पे नाउ, इसमें क्लिक कर लेता हूँ। अभी हमें यहाँ पे QR कोड, जी हाँ, ये QR कोड जो आप देख पा रहे हैं, सिंपली आपके मोबाइल से कोई भी ऐप लॉन्च करेंगे जो UPI ऐप हो, जैसे कि आपका पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, तो कोई भी ऐप यहाँ से लॉन्च करें, इस QR कोड को आपको स्कैन करना है। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन से पेमेंट को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। और मैंने पेमेंट अप्रूव कर दिया यहाँ पे। जैसे ही मैंने पेमेंट डन किया तो मैंने हमारे यहाँ से पेमेंट कंफर्म कर दिया है, सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन जो पेमेंट मैंने किया, यहाँ पे सेशन एक्सपायर बोल के एरर मैसेज देखने को मिला और साथ ही में हमें रिसीव कॉपी नहीं मिला। तो इस तरह का अगर एरर मैसेज आपको भी देखने को मिल जाता है तो आपको यहाँ पे पैनिक नहीं करना है। कोशिश करेंगे जब भी आप पेमेंट करें तो आपके पास, यदि आपके पास फायरफॉक्स ब्राउज़र हो तो उससे करेंगे तो बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि गूगल क्रोम में इस तरह का एरर हमें देखने को मिल जाता है। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, यदि आप वो जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें क्या करना, फिर से उसी वेबसाइट में आना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने बैक आ गया, और उसी वेबसाइट में आ जाने के बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप, जो कि चेक पेंडिंग ट्रांजेक्शन, इसमें क्लिक कर लेना है। हमें व्हीकल नंबर जो हमारा जिसके अगेंस्ट पेमेंट किया था, इंटर करने के बाद गेट डिटेल में क्लिक कर लेना है। और ये देखिए हमारा पेमेंट डिटेल यहाँ पे दिख रहा है, आज ही का डेट टाइम के साथ, साथ ही में पेमेंट अमाउंट, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी हमें देखने को मिल रहा है चेक स्टेटस में। तो सिंपली यहाँ पे मुझे क्लिक कर लेना है और इस तरह से बड़े ही आसानी से हमारा पेमेंट जो कि सक्सेसफुल हो चुका था, डाउनलोड करने का ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल गया। इसे हमें सिंपली इसे सेव कर लेना है, या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्टेड है तो डायरेक्ट प्रिंटआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना चाहेंगे तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, इससे आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू, धन्यवाद।